हेलो एवरीवन वेलकम टू नालंदा रायस अकेडमी और चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेवन जो कि है हमारा देश भारत पार्ट सात हमारा देश भारत तो यहाँ ना ये आपको अभी स्टार्टिंग से आपने देखा कि पहले आपको पूरे विश्व के बारे में बताया कि पृथ्वी के बारे में बताया फिर पृथ्वी पर आपको क्या क्या मिलता है जलमंडल स्थलमंडल वायुमंडल फिर आपको क्या बताया तो भी स्थलमंडल में क्या क्या मिलता है जैसे कि मैदान पहाड़ पठार मैदान और आपको क्या बताया गया कि कितने महाद्वीप हैं कितने आपके महासागर हैं फिर हम आ जाते हैं अपने प्यारे से देश भारत के ऊपर तो चलिए भारत के बारे में जान लेते हैं भारत का क्या है कि ये कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है बिल्कुल सही बात है बहुत बड़ा देश है उत्तर में हमारे क्या है तो हमारे उत्तर में है हिमालय ठीक है ऊँचे शिखरों से घिरा हुआ है ये और पश्चिम में क्या है तो पश्चिम में हमारे है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर तो ध्यान रखना उत्तर में है हिमालय दक्षिण में हिंद महासागर पूर्व में अरब सागर और सॉरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ओके भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं ओके चलते हैं आगे अब ये प्रायद्वीप जो इन्होंने वर्ड को यूज किया तो प्रायद्वीप इन्होंने सिंपल आपको यहां पर बता भी दिया है प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो वो स्थल जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं प्रायद्वीप अब चारों तरफ से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं द्वीप है ना ओके आइलैंड जिसे हम कहते हैं तो चलिए है, हम चलते हैं आगे और बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल है हमारे उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार जो है ना वो है बत्तीस किलोमीटर का ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ कितना है बत, बत्तीस किलोमीटर और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें अरुणाचल से लेकर अगर हम कच्छ की बात कर रहे हैं आ, तो कितना है तो उनतीस किलोमीटर तो यहाँ पर ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं बत्तीस किलोमीटर ऊपर से नीचे तक ईस्ट टू जो वेस्ट है वो कितना है तो उन्तीस किलोमीटर है पूरा ओवरऑल जो हमारा क्षेत्रफल है वो है बत्तीस लाख किलोमीटर ठीक है फिर हम चलते हैं आगे ऊँचे ऊँचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल उत्तरी मैदान असमान आस, पठारी सतह तटीय भाग और द्वीपीय स्थल समुद्र आ, स्थल रूपों की भिन्नता भी हमारे यहाँ पर हैं आपको पता है हमारे पास ऊँचे ऊँचे पर्वत भी हैं आपको ये भी पता है हमारे पास मरुस्थल भी है आपको ये भी पता है कि हमारे पास मैदानी इलाका भी है और पठारी इलाका भी है कोस्टल रीजन भी है इसके साथ साथ द्वीप समूह भी है हमारे पास तो हर चीज़ हमारे पास है तो यहाँ जो जलवायु और जो वनस्पति है ना या वन्य जीवों की अगर हम बात करें इसके साथ साथ भाषा संस्कृति में भी हमें बहुत भिन्नता देखने को मिलती है इस भिन्नता से हमें ये भी पता चलता है क्या कि हमारे यहाँ पर भिन्नता में एकता है जो हमारी परंपराओं में दिखती है तो यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं वर्ष 2011 में क्या हुआ कि भारत की जो 2011 तक की आबादी थी वो कितनी थी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी थी और ये चीन के बागत विश्व का, का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अब तो हम टॉप पे पहुंच गए हैं फिलहाल चलते हैं आगे और बात करते हैं स्थिति की कि हमारा क्या स्थिति है वर्ल्ड में तो चलिए ज़रा देख लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है हम बिल्कुल सही बात है कर्क रेखा जो है ना साढ़े तेईस डिग्री की वो देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है तो दक्षिण से उत्तर की ओर दक्षिण मतलब तो नीचे से अगर आप देखेंगे ना तो नीचे जो है हमारा वो आठ डिग्री चार मिनट है और ऊपर हम कहाँ तक हैं तो थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट उत्तर में है और अक्षांशों के बीच में है और वहीं अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिम में कितना है सिक्स एट पॉइंट सेवन सिक्स सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट्स और वहाँ से लेके हम नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट्स तक है और देशांतरों के बीच में है ये हमारा विस्तार है और इससे अगर हम आगे की बात करें तो विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में हम बांट रहे हैं विश्व को अगर हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग उनतीस डिग्री का जो है हमारे दो छोरों के बीच में अंतर है तो इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग दो घंटे हो जाता है मतलब एक घंटे पैंतालीस मिनट का पूरा डिफरेंस आता है ठीक है अगर आप ईस्ट टू वेस्ट के बीच की डिस्टेंस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अगर टाइम का जो डिस्टेंस आएगा ना कि कितना टाइम कवर करना पड़ेगा तो लगभग दो घंटे का डिफरेंस आ जाता है ओके हम चलते हैं आगे बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है ना वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सात हैं कनाडा में छः हैं और आपको बताना है रूस में कितने हैं तो इंडिया में तो वैसे एक है लेकिन दूसरे की बात चल रही है जैसे चाय बगान टाइम कहा जाता है ओके तो दो घंटे का डिफरेंस है क्यों क्योंकि आपको पता है कि आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि एक डिग्री देशांतर जो है चार मिनट का डिफरेंस अंतर होता है एक डिग्री अगर आप जो देशांतर को क्रॉस करेंगे तो चार डिग्री का आपको चार मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में लगभग सूर्योदय जो है दो घंटे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में आपके गुजरात से दो घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है हम पढ़ चुके हैं कि साढ़े डिग्री पूर्व देशांतर को हमने क्या माना है स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना है इस याम्युतर को भारत का मानक भी कहा जाता है अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की तो भारत की जो सात देशों से जो है ना हमारी स्थली सीमाएं जुड़ी हुई हैं तो सात पॉइंट एक इन देशों का नाम पता लगाइए जो है ना ये ये यहाँ पर आपको पता लगाना है ओके ये हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार बांग्लादेश भूटान नेपाल पाकिस्तान चाइना यहाँ आपका तिब्बत पड़ता है ये आपका अफ़गानिस्तान ठीक है जी तो ये है आपका पूरा इंडिया के सारे पड़ोसी देश चलते हैं आगे और बात करते हैं ये दूसरे मैप की तो ये हमारा राजनीतिक मैप है यहाँ पर आपको सारे स्टेट्स के नाम भी दिख जाएंगे तो मैं चाहूँगी आप इस मैप को थोड़ा आसान अच्छे से देखें ठीक है यहाँ आपका वेस्ट में बंगाल की सॉरी अरब सागर और यहाँ है आपकी बंगाल की खाड़ी ईस्ट में ओके इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनसे सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं मतलब जो सिर्फ़ आपसे जो है लैंड से जुड़े हुए हैं और दक्षिण से समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं ठीक है जी तो पाक जलसंधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि का ध्यान रखें कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं जो दो द्वीप वाले देश हैं तो ये सारी बातें इन्होंने आपको यहाँ पर बताई गई हैं आप चलते हैं आगे और बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की तो भारत एक विशाल देश है प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को उनतीस राज्यों एवं सात केंद्र शासित लेकिन अब तो आपको पता है आठ केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं है ना तो मैं चाहूँगी आप जल्दी से उनके नाम बता दें और यहाँ ये यह आपको पूरा ये आपका फिजिकल मैप दिया गया है विंध्या विंध्या सतपुड़ा यहाँ पर आपके इसके बीच नर्मदा नीचे तापी नदी बह रही है ये दक्कन का पठार है ठीक है जी तो ये आपको दिख रहा होगा ओके ये आपकी महानदी गंगा नदी ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आपका मरुस्थल ये अरावली ओके यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी तो ये इस तरह से आप अपना मैप अपने बुक में आराम से इसे देखें ये रहा आपका नीलगिरी यहाँ मलाई ये आपका तटीय रीजन है ठीक है जी तो ये इस तरह से आप अपने मैप को अच्छे से देख सकते हैं ओके चलते हैं आगे और बात करते हैं ओके दो जून 2014 को ना तेलंगाना भारत का उनतीसवां राज्य बना था लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ये जो आ, कश्मीर वाले रीजन में हमने क्या किया लेह लद्दाख अलग कर दिए गए हैं जब मतलब कश्मीर आपका जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि अब क्या है वहां पर उसे यूटी बना दिया गया तो इसलिए अब आपके पास आठ यूटीज हैं तो बात करते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा है तो राज्यों को जिले में बांटा गया है ठीक है जी लद्दाख लद्दाख और जम्मू है ना चलते हैं आगे जलोट निक्षेप किसे कहते हैं ये नदियों के द्वारा जो आप लाई गई महीन महीन जो मिट्टी होती है ना उसे कहते हैं और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है सहायक नदी क्या है तो एक नदी या सरिता में जो कोई आपके मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है और उसमें पानी एक्स्ट्रा दे रही होती है ना जो पानी लाती है उसे कहते हैं सहायक नदी ठीक है गंगा और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं ठीक है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती है उसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा इस डेल्टा की आकृति कैसी है तो ये ट्रेंगुलर है त्रिभुजाकार है डेल्टा स्थल वह यह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है ठीक है जी ओके तो यहां ये कुछ सीखने की चीजें थी जो कि इतनी ही थी चलते हैं आगे सबसे बड़ा राज्य हम देख चुके हैं राजस्थान सबसे छोटा हम देख चुके हैं कौन सा है गोवा भौतिक विभाजन की बात करते हैं ओके okay, मैं चाहूंगी ना कि आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं या आंसर लिख के मुझे मेल करें जो भी करना है करें और मुझे बताएं कि आपको क्या आपके सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स पता हैं क्या आपको सभी आपकी यूटीज और उनकी कैपिटल्स पता हैं पता है तो कमेंट में बताएं या फिर आप मुझे लिख के दें जैसे भी करना चाहें आप करें लेकिन आपके ये टिप्स पे होना चाहिए आपको सभी राज्यों और आपके यूटीज़ के नाम पता होने चाहिए ठीक है जी तो चलते हैं भौतिक विभाजन की तरफ भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियां ना विभिन्न प्रकार की हैं जैसे पर्वत हैं आपके पास पठार है मैदान है तट है द्वीप समूह है ना उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है संतरी मतलब हमारी रक्षा करता है हिम जमा आने का मतलब होता है बर्फ़ का घर क्या मतलब होता है बर्फ़ का घर हिमालय पर्वत तो है ना तीन श्रृंखलाएं हैं कौन सी वृहद श्रृंखला जिसे हम हिमाद्री कहते हैं सबसे उत्तर में पड़ती है ये इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर यानी कि जो आपकी ऊंची शिखर कौन से एवरेस्ट वो पड़ेगी फिर हम चलते हैं आगे बीच में है मध्य जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं तो सबसे पहले था वृहत हिमालय फिर मध्य हिमालय एंड देन है शिवाले ठीक है तो हिमाद्री हिमाचल एंड देन है आपका शिवलेख तो बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी जो है ना स्थान वो आपको हिमाचल में मिलते हैं हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है ये और उसके बाद जो पांच पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाना है आपको वो आपको बताना है फिर हम चलते हैं जो सबसे दक्षिण में है वो कौन सा है वो है शिवालिक सबसे दक्षिण में शिवालिक सबसे उत्तर में है वृहत यानी कि हिमाद्री बीच में आपको पड़ता है हिमाचल हिमाचल के दक्षिण में ना भारत का उत्तरी मैदान स्थित है ये मैदान जो है समतल है सपाट है यह मैदान जो है बनाया किसने तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है नदियों के ये जो मैदान है ना कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है यही कारण है कि इन मैदानों में आपको जनसंख्या बहुत अधिक मिलती है भारत के पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ पर क्या है भारतीय महामरुस्थल महामरुस्थल जो है वो वहाँ पर है ये काफ़ी शुष्क है गर्म है और रेतीला स्थल है यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है ना के बराबर है उत्तरी मैदान के दक्षिण में आपका जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में क्या है तो प्रायदीप पठार है पठार प्रायदीपे पठार मतलब जो तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है इसकी आकृति कैसी है तो त्रिभुजाकार है इसका धरातल कैसा है तो काफ़ी ऊंचा नीचा है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं इसके उत्तर पश्चिम में क्या है तो इसके उत्तर पश्चिम में है आपका अरावली कहाँ पर है उत्तर पश्चिम में और जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है फिर हम देखें तो एक और श्रृंखला हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है वो है विंध्य और सतपुड़ा विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी जाती है नर्मदा और सतपुड़ा के नीचे से कौन सी जाती है तो तापी नदी बहती है ठीक है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं ये कहाँ जाती है पश्चिम की तरफ बहती हैं अरब सागर में जाके मिल जाती हैं ठीक है थीके? तो ये आपका फैक्ट है जो आपको याद रखना है किसके बारे में नर्मदा और तापी के बारे में इस पठार के पश्चिम में ना पश्चिमी घाट है या सैयाद्री और पूर्व में पूर्वी घाट है तो पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट ना कटाफटा है क्यों कटा रहा है तो कटाफटा होने की वजह से वहां पर नदियां गिरती हैं ठीक है थीके? इन पठारों में खनिज आपको काफी अच्छे मिलेंगे जैसे क्या मिलेगा कोयला और लोह एस का आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है क्या है पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में आपके क्या है तो वो मैदान है तटीय मैदान स्थित है तटीय तटीय यानी कि कोस्टल रीजन है और पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरा है पतला है पूर्वी तट की अपेक्षा और वहीं पूर्वी तटीय मैदान क्या है वो थोड़ा चौड़ा है अपेक्षाकृत चौड़ा है पूर्व वाला चौड़ा है पश्चिम वाला सकरा है पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं अब पूर्व की नदियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हैं तो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब क्या है पूर्व की तरफ बहती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर कौन सा बन है तो सुंदरबन डेल्टा बनता है तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कह रहे हैं प्रवाल क्या है प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है जंतुओं के कंकाल को पॉलिप कहते हैं जब जीवित पॉलिप मरते हैं ना तो उनका कंकाल बच जाता है अन्य पॉलिप उसी के ऊपर बढ़ते हैं उन्हीं पॉलिप के कंकालों पर अन्य जो पॉलिप है वो बढ़ते हैं वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और यही ऊंचे ऊंचे होकर क्या बनते हैं आइलैंड्स बनते हैं द्वीप बनते हैं और इन्हीं द्वीपों को क्या कहते हैं प्रवाल द्वीप कहा जाता है तो आई होप आपको प्रवाल द्वीप समझ में आया होगा तो आपके जो लक्षद्वीप है तो वो क्या है वो ये इन्हीं से बना हुआ है प्रवाल से ही बना हुआ है ठीक है आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा फिलहाल चलते हैं आगे आ, सुनामी के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी है बच्चे ने आप ज़रूर पढ़ें हम चलते हैं आगे यहाँ एक पिक्चर बनाई गई है फिर हम चलते हैं और आगे तो भारत में ना दो द्वीप समूह भी हैं कौन से लक्षद्वीप और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर है लक्षद्वीप जो है वही आपका प्रवाल से बना हुआ है और ये कहाँ पर है तो ये अरब सागर में है ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है ठीक है और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ है तो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है ठीक है जी तो कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि कौन से द्वीप समूह वर्ष दो में सुनामी आई थी तो ऑफकोर्स अंडमान में आई थी है ना समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीकों से इस चुनौती का सामना किया था सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है बिल्कुल सही बात है तो जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है तो ये ध्यान रखें सुनामी एग्जैक्टली है क्या सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है तो यहाँ इस चैप्टर में ये सारी बातें थी कि आपका इंडिया उसके पड़ोसी देश कौन है इंडिया के स्टेट्स कौन सी हैं उसकी यूटीज़ कौन सी हैं ये आपको नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है आपके पास कौन से आइलैंड्स हैं कौन से मैदानी भाग हैं और कौन से आपके पास पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कौन से पर्वत हैं ये सारी चीज़ें आप मैप में देखेंगे उसे फ़िल करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो इंडिया को आप समझ सकें और अगर आप समझ सके हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें और अगर आप सॉल्व करते हैं तो मुझे भी आप आंसर लिख के भेज सकते हैं मैं आपको चेक करके ज़रूर बताऊँगी कि आपके आंसर्स कैसे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय